वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू तो डियर ए स्टूडेंट आज की क्लासेस में हम एंटी लॉक टेबल को देखना सीखेंगे क्योंकि मैथामेटिक्स ऑफ फाइनेंस को अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको लॉक टेबल और एंटी लॉक टेबल दोनों ही देखना आना चाहिए क्योंकि अब हम मैथामेटिक्स ऑफ फाइनेंस के इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हैं या आप अपना कैलकुलेशन करते हैं जहाँ पर पावर आपका जो है फ्रैक्शन में है तो सिचुएशन में आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आप बहुत साइड लॉग लेकर के उस पावर को आप नीचे लेकर के आएंगे जो कि बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है बट फिलहाल अभी सबसे पहले प्राइटरी लेवल पर आप जो है लॉग टेबल कैसे देखते हैं ये सीख लो जो कि मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए अब हम करेंगे एंटी लॉग कैसे देखते हैं बहुत सिंपल है आपके लिए बहुत कन्वीनियंट और कम्फर्ट रहने वाला है क्योंकि जो है सामने आपके टेबल भी मैंने रखा है और सामने ये भी है और आपके कंटेंट में मैंने पूरा पूरा लॉग टेबल भी मैंने आपके मटेरियल में मैंने अपडेट कर दिया है तो बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटी लॉक आपके माइंड में क्वेश्चन आए होगा कि सर ये एंटी लॉक क्या है एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे लॉग एक्स एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि आपके पास में एक्स इक्वल्स टू 2.35 पॉइंट वेस्ट टू पावर थ्री है क्लियर एक एग्जांपल देते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैलकुलेशन का एक पार्ट क्या हो सकता है कि आप बोथ साइड लॉग लेंगे लॉग एक्स हो जाएगा यहां पे लॉग लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा तो लॉग 2.35 आपका आ गया अब आपके लिए तो ये इजी है लॉग थ्री लॉग एक्स की वैल्यू निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया है क्लियर है बच्चे तो लॉग एक्स की वैल्यू आपको को कैसे कैलकुलेट करना है ये लॉग इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप पहले ट्वेंटी थ्री पर आप क्या देखेंगे बच्चे फाइव देखेंगे तो लॉग की बात करते हैं हम तो लॉग ट्वेंटी अभी मैं सिखाया नहीं है बता रहा हूँ कहाँ पर यूज है तो लॉग ट्वेंटी थ्री पर आप फाइव देख लें ट्वेंटी थ्री पे आपके पास में फाइव ये एंटी लॉक टेबल है लॉक टेबल अलग होता है एंटी लॉक टेबल अलग होता है तो आपके पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव थ्री सेवन डबल वन थ्री सेवन डबल वन और आपके पास में ट्वेंटी थ्री पर क्या देखा आपने आपने देखा है फाइव उसके बाद आप यहां पर क्या करते हैं आप देखते हैं कि आपके पास में डेसिमल से पहले क्या लिखा है कितने डिजिट हैं एक डिजिट है है ना उसमें से आप क्या करते हैं माइनस कर देते हैं डिजिट कितना है एक डिजिट है माइनस वन कर देंगे तो क्या जाएगा जीरो तो क्या जाएगा आपके पासे? जीरो पॉइंट दिस है ना मचे क्लियर है तो आप क्या करेंगे देखेंगे डेसिमल या फिर कितने आपके पास डिजिट है उसमें एक माइनस करके लिख देंगे तो आपके पास में यह वैल्यू आई तो अब आप यहाँ पे लॉग एक्स की वैल्यू तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट इलेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री तो आपके पास में वन पॉइंट वन वन थ्री थ्री आ गया बट अभी भी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वन अपॉन आपके पास में लॉग वन पॉइंट इलेवन थ्री थ्री आपके पास में वैल्यू आ गई क्लियर है बच्चे लॉग की वैल्यू कैसे निकाला मैंने मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया है आप वहाँ से आप देख लें मैं आज आपकी क्लास में एंटी लॉग सिखाऊंगा तो आपका वन अपॉन लॉग हो गया ना इसी को क्या बोलते हैं बच्चे ये वन अपॉन जब भी लॉग नीचे चला जाता है तो इसी को हम बोलते हैं एंटी लॉग या फिर आप लॉक की पावर माइनस वन हो जाएगा ना ऊपर लिखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे एंटी लॉग वन पॉइंट वन वन थ्री थ्री अब आ, एक्स इक्वल टू ये आ गया ना बच्चे आपके पास में लॉक को यहाँ ले आए तो अब आपको एंटी लॉक की वैल्यू देखोगे देखना आएगा तभी तो आप इसके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर एंटी लॉक की इंपॉर्टेंस कब आने वाली है और एंटी लॉक की वैल्यू आपको देखना अभी मैं सिखाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बार बार मैं लॉक भी निकालूंगा एंटी लॉक भी निकालूंगा तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्लियर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता लगा एंटी एंटीलॉक क्या होता है कि जब आपका लॉक रेसिपोकल में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एंटी एंटीलॉक तो चलिए बच्चे अब यहां पर इसकी कोई नीड नहीं है जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे फिलहाल आप एंटी एंटीलॉक की वैल्यू सीखिए ये एंटी एंटीलॉक का टेबल आपके सामने लॉक टेबल एक अलग होता है एंटी एंटीलॉक टेबल एक अलग होता है एग्जाम में आपको दोनों टेबल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ठीक है तो लाइक जैसे आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है ये जो डेसिमल के बाद जो आपके पास में डिजिट्स होते हैं ना मैंटिसा बोलते हैं इसको हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी वैल्यू देखोगे देखने का तरीका वही है आपके पास में आप क्या देखोगे लाइक आपके पास में क्या मैं लिख देता हूं आपको क्या निकालना है एंटीलॉग निकालना है किसका वन पॉइंट टू थ्री सेवन टू ठीक है तो फर्स्ट ये क्या है आपका ये आपका मैंटिसा है तो मैंटिसा में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करोगे मैंटिसा में सबसे पहले मेंटिसा सबसे पहले आप क्या चेक करोगे ट्वेंटी थ्री कहां पर है तो 23 ये आपके पास में क्या है 23 है 23 पे क्या देखना है आपको सेवन तो ये आपके पास में जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेक कर लेते ठीक है जी वन सेवन टू सिक्स तो क्या है ट्वेंटी थ्री पे आपके पास में आपने क्या चेक करा सेवन तो क्या है आपका वन सेवन टू सिक्स क्लियर है बच्चे में माए आपको ये दिख रहा है इसमें हाँ ठीक है तो आपके पास में वन सेवन टू सिक्स और इसके आगे क्या है बच्चे इसके आगे आपके पास में है टू तो आप जो है मेन डिफरेंस में जाएंगे और टू देखेंगे दिस वन ये मेन डिफरेंस है तो वन एंड टू तो टू पे क्या आपका वन है क्लियर है बच्चे अब इसको आप इसमें ऐड करें तो क्या आगे आपके पास में वन सेवन टू सेवन क्लियर है तो बस आपके लिए बहुत आसान था अब आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे सिंपली आप इसकी वैल्यू लिख दें वन सेवन टू सेवन बोलेंगे सर ये डेसिमल से पहले वाले का क्या रोल था इसका रोल बच्चे ये था कि जो भी है ये जो भी है इसमें डेसिमल से पहले क्या है आप बोलेंगे डेसिमल से पहले क्या है जरा मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से डेसिमल से पहले क्या है डेसिमल से पहले बच्चे वन है डेसिमल से पहले क्या है वन है तो जो भी है वन टू थ्री इसमें क्या करोगे प्लस वन ऑलवेज करना है तो टू आएगा इट मीन्स टू डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा आपका तो वन टू और कुछ नहीं करना है सर टू लिखना नहीं है टू डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या आई वन सेवन टू सेवन क्लियर है ये समझ में आ गया, आ गया आपको कोई डाउट किसी बच्चे को तो उम्मीद करता हूं कि आपको एंटी एंटीलॉक देखना आ गया अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे uh, अभी जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जब हम करेंगे तो उसके अंदर आपको इसका यूज हो, होगा फिलहाल तो आप एंटी एंटीलॉक कैसे देखते हैं ये सीखिए क्लियर है अब आप देखें बच्चे एंटी लॉक टू पॉइंट सेवन टू थ्री अब आप ये आप कैलकुलेट करें जरा वॉइस कब से नहीं आ रही है थर्टी टू टाइम क्या हो गया थर्टी सेवन वॉइस 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 अच्छा क्लियर है मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे फिर से हेलो ठीक है हेलो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं एंटीलॉक टू पॉइंट सेवन टू थ्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें सेवन टू मत देखो आप डेसिमल के बाद देखो पे फोकस करो लाइक आपके पास में क्या है टू पॉइंट सेवन टू थ्री वो पीछे गलती भी हुई है तो आप जो है डेसिमल के बाद आप चेक करें आपने किस पे मेन्टिसा पे मेन्टिसा की वैल्यू देखें आप तो 72 पे 3 आपको देखना है है ना तो 72 पे आपको 3 देखना है तो आपके पास में यहाँ पर तो मेरे पास में ये मेन कॉलम होता है यहाँ पे 31 तक है बट आपका जो है पूरा 99 तक होता है मैंने आगे इसको कर रखा है मैं आगे इस स्लाइड को नहीं चेंज करूँगा आपको मैं पेज पर पे मैं बता देता हूँ सेवेंटी तो सेवेंटी मेरे पास में एंटी लॉक टेबल में एंटी लॉक टेबल में मुझे 72 पे जाना है और 72 पे थ्री देखना है तो वन टू थ्री तो फाइव टू सेवन वन जीरो वन टू थ्री फाइव टू एट फोर फाइव टू एट फोर ठीक है बच्चे अब यहां पे देखेंगे कि डेसिमल से पहले क्या है तो डेसिमल से पहले क्या है टू उसमें वन प्लस कर दो क्या आ जाएगा थ्री तो मेरा तीन डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो वन टू थ्री दिस वन क्लियर है बच्चे तो आपके पास में इसकी वैल्यू क्या आई फाइव टू एट पॉइंट फोर क्लियर है अब नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पे कि आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करना है किसका कैलकुलेट करना है लॉग आपको आपको जीरो पॉइंट सेवन टू फाइव का तो डेसिमल के बाद आप मेंटिसा पे फोकस करो तो सेवनटी टू पर क्या देखना है आपको फाइव देखना है तो सेवनटी टू पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव थ्री जीरो नाइन फाइव थ्री जीरो नाइन से पहले क्या है जीरो इसमें क्या करोगे प्लस वन करोगे आप तो क्या जाएगा वन तो वन डिजिट का पॉइंट आ जाएगा दिस क्लियर है बच्चे आपको फाइव पॉइंट थ्री जीरो नाइन वेरी गुड क्लियर है अब यहां पर भी आप देखो जरा कि आपके पास में क्या है आपके पास में बच्चे है लॉग वन पॉइंट टू थ्री ठीक है तो आप मैंटिसा जो पॉइंट के बाद होता है इस पर फोकस करो ये आपका दो डिजिट में जबकि एटलीस्ट लोग या एंटी लोग निकालने के लिए थ्री डिजिट चाहिए तो एक जीरो आपने अभी से लगा दिया है तो आपके पास में ट्वेंटी थ्री पे आप जीरो देखेंगे तो ट्वेंटी थ्री पे आपके पास में जीरो।, जीरो तो वन सिक्स नाइन एट वन सिक्स वन सिक्स नाइन एट क्लियर है बच्चे अब आप देखो आपके पास है डेसिमल से पहले क्या है डेसिमल से पहले आपके पास वन है इसमें आप वन ऐड कर दो तो आपके पास में क्या आ गया टू तो टू डिजिट क्या पॉइंट लग जाएगा दिस वन क्लियर है आगे आप देखें अब यहाँ पे तो आप देखो मेंटिसा पे फोकस करो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको टू पॉइंट टू थ्री टू फोर नाइन इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है बच्चे अपने मैंटिसा फोकस करो तो फाइव डिजिट का हो गया बट आपका एटलीस्ट थ्री डिजिट होना चाहिए और मैक्सिमम फोर डिजिट होना चाहिए अगर थ्री डिजिट से लेस है तो जीरो लगा करके थ्री डिजिट में तक ले आते हैं अगर आपके पास में फोर डिजिट से ज़्यादा है तो क्या करेंगे तो देखो लास्ट वाले देखो लास्ट वाला क्या है आपका ये इसको देखो ये क्या है ये ग्रेटर देन फाइव है ना नाइन को देखो क्या है? ये ये फाइव या उससे अबब ग्रेटर देन फाइव है तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा तो बेसिकली मैं क्या लिखूंगा टू पॉइंट टू थ्री टू फाइव क्लियर है बच्चे सलमा आया तो इसमें मैंने चेंज कर दिया अब देखो मैं मेरा मेंटिसा में ये है मेंटिसा टू टू थ्री टू फाइव तो ट्वेंटी थ्री पे टू देखूंगा मैं पहले तो ट्वेंटी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है किस पे आपको ट्वेंटी थ्री पर देखना है तो ट्वेंटी थ्री पर आप देखेंगे तो ट्वेंटी थ्री पे ट्वेंटी थ्री पर क्या देखना है आपको टू देखना है तो जीरो वन टू वन सेवन जीरो सिक्स तो वन सेवन जीरो सिक्स और उसके बाद आपको मीन डिफरेंस में जाकर के क्या देखना है आपको मीन डिफरेंस में जाकर के अब आपको इस फाइव को देखना है तो मीन डिफरेंस में सेम आप जाएंगे This one. और कहाँ देखना आपको फाइव पे तो ये क्या आपके पास में वन टू थ्री फोर फाइव दिस वन तो क्या आ रहा है आपका टू आ रहा है तो इसमें आप टू ऐड कर देंगे तो वन सेवन जीरो एट आ गया आपका ठीक है बच्चे अब देखिएगा डेसिमल से पहले क्या है डेसिमल से पहले क्या है टू तो इस टू को लिखेंगे आप इसमें आप प्लस वन कर देंगे एज यूज थ्री तो थ्री डिजिट का पॉइंट आ जाएगा दिस वन तो वन सेवन जीरो ये आपका लॉग है तो उम्मीद करता हूं कि बच्चे अब आपको लॉग की वैल्यू देखनी है अब आप लोगों को अच्छे से आ गई है आप टेबल भी सामने रखा था इसलिए मैंने आपके क्योंकि तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इसमें अब बच्चे बेसिक रूल्स क्या है उस बात को भी जरा समझे कभी भी अगर आपको ये नजर आ जाए क्या लॉग ए इंटू बी मैं लिख के बताता हूं लॉग और यहाँ पे a इंटू बी हो रहा है दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अगर इसको एक्सप्रेस कैसे कर करेंगे log a प्लस लॉग बी ठीक है बच्चे क्लियर है दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसके बाद अगर आपके पास में दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं लॉग ए अपॉन बी ये हो रहा है तो log आ गए दोस्तों कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप एक तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लॉग टेबल से लॉग वैल्यू निकाल दो दूसरा तरीका आपके पास में क्या है आप लॉग ए प्लस लॉग बी कर लो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में लॉग ए माइनस लॉग बी अगर डिवाइड हो रहा है ठीक है बच्चे क्लियर है एंड थर्ड अगर एक्स के ऊपर एन है और यहाँ पर जैसे ही आप लॉग ले लेते हो इसके आगे तो ये पावर को नीचे ले आता है और लॉग लॉग लिया, अगर ले आओगे इसके यहाँ पे तो लॉग एक्स को मल्टीप्लाई करेगा बट जो पावर है वो नीचे आ जाएगा क्लियर है बच्चे जो पावर है वो नीचे आ जाएगा ये क्या आपके ये आपके बेसिक्स ये बेसिक रूल्स थे आपके किस चीज़ के एंटी लॉक के तो अब आप लॉग और एंटी लॉक को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा अब तो अब आपको लॉग और एंटी लॉग को देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्लियर है बच्चे तो अब नेक्स्ट क्लासेस में मैथमेटिक्स मैं 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 ऑफ फाइनेंस को आगे चलाऊँगा उसमें आपको ये वैल्यू देखनी आ गई है मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कुछ चीज़ें करना करके दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें मैं लॉक के भी थ्रू करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में मार्क्स पे डिपेंड करता है कि लॉक से करके पूरा सॉल्व करना है या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करें करेंगे थैंक यू जी थैंक यू सो मच